तो गाइस अभी हम रास्ता बोल चुके हैं यार, और कहां भी था यार यार, आने की बड़ी जल्दी लगी थी था यार, तू खुद ही कह रहा था धूप बहुत है। नहीं अपने आप में पता नहीं क्या बनता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तू जैसे कह रहा था मैं रास्ता पता है, क्या पता तुझे यार, फूड के साथ है तुझे पता है किसने का रास्ता पता है तेरी जिंदगी में, आ गया वो सामने वाले भाई भी हमें देख रहे हैं, हो क्या I'm making a vlog with my friends. आज की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि क्रिकेट खेलने के बाद खाना खा रहे थे कि एक लड़के को जोश आया और कहने लगा कि आज हमने जाना स्विमिंग पूल पे है भाई। My friend is not coming slow. तो स्विमिंग पूल पे जाने का प्लान हो गया था कैंसिल। तो उसके बाद हमारा प्लान बना के हमारे एक दोस्त की ज़मीनें हैं तो उस पर चलते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा फन इंजॉयमेंट मस्ती मज़ा, तो लेट्स सी देखते हैं। आज के सफ़र पे हम निकल पड़े हैं और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, हमें नहीं पता था कि इतनी गर्मी होगी रास्ते में। और टू बी ऑनेस्ट माज भाई हमें बताएं कि हम लोग किस चक में जा रहे हैं और जहाँ पर हम जा रहे हैं वो जगह सैनिटाइज है कि नहीं, बिल्कुल सीरियस भाई ज़मीनों पर जा रहे हैं और कौन सी ट्यूबवेल के ट्यूबवेल है वहाँ, अच्छा शावर लेंगे, स्विमिंग करेंगे, सैनिटाइज है वो भाई जान, फुल सैनिटाइज लगाया हुआ है अंदर, उसके फुल डिटॉल हमने फेंका हुआ है, ठीक है। अब जब हम चेक कर रहे हो भाई की एक्टिंग कितना सीरियस हो के झूठ बोल रहा है भाई। और रास्ते में तुम लोगों को पता ही है कि मोटरसाइकिल जब तक पंचर ना हो तो सफ़र मुकम्मल नहीं होता बिल्कुल भी। तो फाइनली हम लोगों ने पंचर तो लगवा लिया, तो आगे हम सफ़र की तरफ निकलते हैं आगे। तो थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद जिस लड़के को रास्ता पता था वो रह गया पीछे और जो हमारे साथ था वो कह रहा था मुझे रास्ता पता है, तो हम उसके साथ साथ चल रहे थे। बट आगे जाके वो कहता मुझे तो रास्ता नहीं पता, मैं तो भूल गया हूँ रास्ता। तो थोड़ी सी हम उसकी बिस्सी सी करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने फेक एक्टिंग देखी है, आज हम आपको फेक एक्टिंग भी दिखाएंगे। तो गाइस अभी हम रास्ता बोल चुके हैं, कहाँ भी था यार पहले हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, बट अब हम रेल में भी सी करेंगे इस लड़के की। तो ये आसिफ भाई जो हैं बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनका कोई पता नहीं होता, 6 पे 6 भी मार देते हैं, पर अक्सर उकात तो 0 पे ही होते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा एतबार नहीं हमें बैटिंग करने का। और अच्छे प्लेयर हैं, सुबह इन्होंने माशाल्लाह इतना लंबा चीका मारा दुनिया ने देखा, पूरे ग्राउंड ने एक दफा उठ के ताड़ियाँ मारी। कहाँ जा रहे हो आप भाईजान, सारी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फाइनली हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जिस जगह पर हमने जाने का प्रोग्राम बनाया था, बट जिस जगह पे हमने पहुंचना था उस जगह से जो पिछला रोड था उस रोड पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं यानी कि अपनी जान में रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट मैं रिकॉर्डिंग करने वाला बटन दबाना भूल गया। तो आप समझ ही सकते हो कि वो फुटेज बिल्कुल ही मिली नहीं, यानी कि कैप्चर ही नहीं हो सकी कैमरे के अंदर। और हाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हम लोगों को मज़ा आया है नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। और हाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों को किसी चीज़ का इंतज़ार करना पड़ा, वो थी डीजल। डीजल हमसे लेट पहुँचा, हम वहाँ पर पहुँच चुके थे जल्दी और डीजल हमसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँच चुका था, क्योंकि ट्यूबवेल डीजल से बगैर नहीं चलता, तो डीजल इज़ नॉट कमिंग। और जैसे ही पुल भरा तो कोई किसी को गोते दे रहा है और कोई उल्टी छलांगे लगा रहा है और कोई सीधी छलांगे लगा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा था वहां पर।
और रहने के बाद तो तुम सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो थोड़ा सा डिनर भी होना चाहिए। तो हमारे पास थे आलू वाले नान विद कोक विद मैंगोज। पूल में नहाने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुके थे सभी, और शाम को हमने क्रिकेट का मैच भी खेलना था, तो बस फिर फैसला किया कि चलो घर की तरफ रवाना होते हैं। तो घर की तरफ रवाना होने की मैंने फुटेज बनाई थी, पर मेरे दोस्त के मोबाइल में थी, जो दोस्त अभी इस वक्त मुल्तान बैठा है, और वो मुझे फुटेज बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं फिर एंड। और आज मैं देख रहा हूँ मैंने अपनी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा कैसनाइक स्टाइल छाप दिया है, तो बस अब तो हो गया।